का सामान लाए हैं, पानी कोई भी नहीं लाया। पानी लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज मैं अपना तीर कमान लेकर नहीं आया। एक बार गांव में पानी का अकाल पड़ गया, सब लोग मेरे पास आए, आधी आधी पानी ला दो। मैंने तीर कमान निकाला और धरती पे चला दिया, और तीर धरती में इतना नीचे गया कि पानी ऊपर आ गया, और इतना पानी निकला कि सात समंदर बन गए। आज पता चला समंदर कैसे बने। लगता है कोई जंगली घोड़ा मुसीबत में है। तुम लोग रुको, मैं देख के आता हूँ। शिवा, जंगल में भूत होते हैं, वहाँ मत जाओ प्लीज। भूत से बच भी गए तो जंगली जानवरों से नहीं बचोगे, जंगली जानवरों से बच भी गए तो एलियन से नहीं बचोगे, वो भी जंगल में होते हैं। चलते हैं। बच्चे, तुमने हमारा काम कर दिया। यह गड्ढा हमने ही बनाया था इस काले घोड़े को पकड़ने के लिए। ये आजाद घोड़ा है, इसे आजाद ही रहने दीजिए। अगर आपको कोई बांध के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? अबू, ये देखो आजकल के बच्चे कितने भाषणबाजी करते हैं। ये सब टीवी का असर है। आप उसे छोड़ दीजिए वरना। ए बच्चा, अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ये बच्चा मारता है। शैतान कहीं के साबू, इसे सबक सिखाओ। तेरे इतनी हिम्मत की बाबू को मारा। थैंक यू दोस्त। मैं तुम्हारे गले से ये रस्सी निकाल दूँ।
एक बहुत सुंदर काला घोड़ा शिकारियों के ट्रैप में फंस गया था। मैंने शिकारियों से उसे लड़के छुड़ा दिया और वो भाग गया। वो शिकारी कहाँ है? उसी गड्ढे में जिसमें ब्लैक हॉर्स था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है। अरे हमारा इंतजार तो करना था, मैं उस घोड़े पे सवारी करता। उस पे सवारी करना बहुत मुश्किल काम है, वो जंगली घोड़ा है। मैंने उसे बचाया फिर भी मुझे अपने पास तक नहीं आने दिया। वो सचमुच एक तूफान की तरह भागता है। हम उसका नाम तूफान रखेंगे, फिर कभी मिला तो तूफान कहकर ही बुलाएंगे। खाओगे? ये लो, डरो मत, हम दोस्त हैं, डरो मत, we are friends, दोस्त। तो तुम नहीं मानोगे, हॉर्स राइडिंग विदाउट सैडल इज वेरी डेंजरस। संभल के जाना। Thank you.
वेदा शहर में हर साल की तरह दो दिन बाद एक हॉर्स रेस होने वाली है। तूफान अगर उसमें हिस्सा ले तो वो जरूर जीत जाएगा। नहीं, उसे वहाँ ले गए तो कोई ना कोई तूफान को पकड़ के ले जाएगा। ये यही ठीक है। साल फेदास शहर का नाम मिट्टी में मिलाने आ जाते हो, आज तक तो रेस जीते नहीं। सॉरी मिस्टर रेस वाला, मैं रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। मेरे बॉक्सर को तेज बुखार है, वो दौड़ नहीं पाएगा और इतने शॉर्ट नोटिस में मैं दूसरा घोड़ा नहीं ला सकता। इसे तो तेज बुखार है, ये रेस में नहीं दौड़ पाएगा। रेस के नाम से ही तुम्हारे बॉक्सर को बुखार आ गया। उसे हॉस्पिटल ले जाओ और खुद भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। नानू जी, अफसोस है, इस साल हमने बड़े जोर शोर से वेदा शहर में रेस रखी थी और हमारे यहाँ से ही कोई पार्टिसिपेंट नहीं होगा। होता भी तो क्या करता, उसने हार के इनका नाम ही डुबाना था। काश कोई ऐसा रेसर होता जो वेदा शहर को ट्रॉफी दिला सकता। अया माँ, ये तो बात गड़बड़ हो गई। हमारे शहर में रेस है और हमारे यहाँ से ही और से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अया पार्टिसिपेंट होगा, जरूर होगा। इस बार रेस में मैं हिस्सा लूंगा अपने घोड़े तूफान के साथ। वैसे तो मैं उसे यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे शहर की इज्जत का सवाल है। कल मिलेंगे रेस में। अरे शिवा रुक, बता तो सही कहाँ जा रहा है। नहीं आया, लगता है वो भी डर गया। रेस स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। वेदास शहर से कोई नहीं आया, हमें रेस स्टार्ट करनी ही होगी। हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और 4 बार वीनस सिटी के रफ्तार सिंह जीते हैं। उम्मीद है इस बार कोई और जीतेगा। इस बार के बहुत छोटे पार्टिसिपेंट शिवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट शिवा। शिवा, घोड़े की रेस में सवार गिर भी जाते हैं, बच के रहना। गिर गया तो वापस घोड़े पे चढ़ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। एक बार रेस के घोड़े से गिर के आज तक कोई दोबारा चढ़ नहीं पाया, लेकिन ऑल द बेस्ट। एक बात बताना भूल गया, इस रेस कोर्स के 3 राउंड लगाने हैं। थर्ड राउंड फाइनल राउंड है। रिमेम्बर 3 राउंड्स ऑफ दिस कोर्स। ओके एवरीवन, रेडी, गेट सेट गो।
रेस पूरी होके ही रुकेगी। चला है कर रहा हूँ। तूफान इससे तेज नहीं भाग पा रहा। तूफान एक जंगली घोड़ा है, शायद उसे बेल्ट की आदत नहीं। अगर बेल्ट निकाल दो तो वो अपनी स्पीड में दौड़ेगा। यस शिवा, गुड आइडिया। हमारी नहीं, वेदा शहर की इज्जत का सवाल है।